तो फ्रेंड्स आप देख सकते कि यहाँ पर एक नया एक फॉर्मूला लेकर आया हूँ आपके लिए। और ये फॉर्मूला अगर हमारा सिस्टम के अंदर फेल आता है तो कौन सा सब्जेक्ट के अंदर हम फेल होते हैं, और जब फेल होते हैं इसका सब्जेक्ट का नाम आए, तो इस तरह का मैंने फॉर्मूला एंटर किया है। अगर पास आता है तो सिर्फ पास ही लिखा है। तो ये सब कुछ मैं डेटा आपके सामने बता रहा हूँ यहाँ पर, और देख सकते हैं आपने ये सामने कि फेल इन लिखा हुआ है और कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट में गुजराती हिंदी करके, लेकिन जहाँ पर पास है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फेल होता है तो कौन से सब्जेक्ट में फेल होता है, देख सकते हो कि मेरे सामने एक ई देखा है, यहाँ पर किसी स्टूडेंट को मैं फेल कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। देख सकते हो कि मैं कंप्यूटर में फेल गया तो कंप्यूटर में लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो एडवांस फॉर्मा स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के अंदर, हम सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेस बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइट पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरे सामने ये एक टेबल है, मेरे सामने एक डेटा है, और हम देख सकते हैं कि हम किसी को यहाँ पर फेल होता है यहाँ पर, तो हमें सिर्फ फेल बता रहा है यहाँ पर, लेकिन कौन सी सब्जेक्ट के अंदर फेल है वो हमें बता नहीं रहा। तो उसको बनाने के लिए, उसको हम सेट करने के लिए हम उसको एडवांस फॉर्मूला बनाएंगे और ऑटोमेटिकली हम सेटअप करेंगे। ओके, इसके अंदर तो यहाँ पर आपको, तो पहले यहाँ पर देखिए कि ये सभी हमारे सेल है यहाँ पर। ओके, मतलब मीन्स हमारे 6 सब्जेक्ट और 7-8 सब्जेक्ट है। मैं इसको यहाँ पर 15 इंटर करता हूँ तो ये फेल होगा, लेकिन बता नहीं रहा कि किसके अंदर, कौन से सब्जेक्ट के अंदर वो फेल हुआ है। तो इसको बताने के लिए, एंटर करने के लिए मैं इसको एंटर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ यहाँ पर कि, तो पहले हम क्या करेंगे कि अंदर हम इंसर्ट करेंगे कॉलम को। ओके, तो इसको इंसर्ट करने से पहले हम इंसर्ट करते कॉलम को, फिर एक और इस तरह से 7, हम जितने भी 7 है वो 7 हम कॉलम को एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा हमारा बनेगा यहाँ पर। इंसर्ट किया, ओके, हमने फिर से इंसर्ट किया और फिर से इंसर्ट किया। ओके, ये हमारा 7 कॉलम होगा यहाँ पर। ओके, आपके सामने ये मैंने एंटर कर लिया और ये सेल आपके सामने एंटर हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये जो है आप देख सकते हो कि सामने ओके, ये मैंने इस तरह से एंटर किया है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, ये गुजराती इंग्लिश वगैरह जो ही यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और वही चीज़ हम
इंटर करेंगे यहाँ पर। ओके मैंने इंटर किया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखिए कि हमें करने क्या, हमें करने का जो है कि हमें यहाँ पर लिखना चाहिए पास है तो ठीक है, लेकिन फेल होता है तो कौन से एरिया के अंदर, मीन्स कौन से सब्जेक्ट के अंदर फेल होता है। तो पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमें एंटर करना होगा एक फॉर्मूला। तो पहले हम इस तरह से कुछ बनाएंगे कि अगर ये फेल होता है तो यहाँ पर उसका नाम आए, उस सब्जेक्ट का नाम आए। ओके तो यहाँ पर देख सकते कि गुजराती, तो इस सेल के अंदर गुजराती लिखा होना चाहिए जब फेल हो। तो फिर यहाँ पर देख सकते कि साइंस के अंदर, तो यहाँ पर इस जगह पर साइंस लिखा होना चाहिए। अगर पास है तो ब्लैंक रहे, तो उस सिस्टम के ऊपर से ही हमारा बनेगा। ओके तो फॉर्मूला में स्टार्ट करता हूँ, इफ लिखता हूँ। ओके और मैं इक्वल टू करता हूँ, मीन्स पहले हमें इक्वल टू करना होगा, फिर हम लिखेंगे इफ। ओके इफ कंडीशन मैंने सेलेक्ट की है और ओपन ब्रैकेट करता हूँ। मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले फर्स्ट सब्जेक्ट को, यहाँ पर देख सकते हो। और मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि 35 से ज़्यादा होते हैं। ओके तो 35 से ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर लिखा आए ओके तो 35 से ज़्यादा होगा तो ब्लैंक रहे, लेकिन 35 से कम हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि ये हमारा सब्जेक्ट का नेम लिखा होना चाहिए। ओके हो गया, तो ये एंटर मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं गुजराती के अंदर फेल करके देखा दिखता हूँ, यहाँ पर आता है या नहीं, देख सकते कि लिखा हुआ आ गया और फेल भी है। ओके लेकिन हमने तो एंटर कर दिया है यहाँ पर ये, तो उसी तरह से हमें सबके अंदर एंटर करना होगा। ओके तो पहले हम इसको ड्रॉप कर लेते इस तरह से। ओके हमने एंटर कर लिया, उसी तरह से इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस डायरेक्ट यहाँ से भी आप लिख सकते हो या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो। तो लिखते हैं मैथ्स। ओके मैथ्स। ओके मैथ्स फिर लिखते हैं हम हिंदी। ओके हिंदी लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं आगे साइंस। ओके साइंस लिखते हैं, साइंस फिर उसके और आगे हम लिखते हैं हिस्ट्री। ओके हिस्ट्री मीन्स एसएस हिस्ट्री, और फिर हम लिखते हैं यहाँ पर इंग्लिश। ओके तो इंग्लिश लिखते हैं, और फिर हम आगे लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर ओके कंप्यूटर लिखा हमने। तो इन सभी को आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से इसको चेक करूँगा पहले 60 जैसे लिखा हुआ यार, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर भी इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर। ओके उसकी लाइन के अंदर, ओके उसी के कॉलम के अंदर आ जाए आप। ये फॉर्मूला हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पर। ओके अब हमारा काम ये है कि फिर से हम कोई जगह चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 12 लिखता हूँ। ओके देख सकते हो कि ये वाला स्टूडेंट है, मैं लिखा है इंग्लिश के अंदर 12 लिखा, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आ रहा है यहाँ पर। ओके तो अब क्या करेंगे, अब हमारा काम है यहाँ पर फेल हुआ है यहाँ पर, तो ये फेल किसे बताएगा। देख सकते हो मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर। ओके तो ये इफ कंडीशन के अंदर इफ है, इसको एंड से हमें क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर इफ के साथ अगर ये सभी 35 के ऊपर है तो हो जाए पास वरना हो जाए फेल, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ओके लेकिन अगर हमें इस तरह से लिखना है कि फेल हो गया है तो कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ओके ये भी हमें एंटर करना पड़ेगा। ओके तो पहले हम इसको कैसे एंटर करेंगे, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, देख सकते हो अब फिर से एक से की जोड़ने का काम है, क्योंकि अगर मैंने फिर से इफ के साथ ज्वाइन किया तो इसका मतलब ये है कि अगर ये इफ अगर ये पास और फेल होता है यहाँ पर, तो इसको इक्वल टू करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इक्वल टू मैं लिखा अगर ये पास है यहाँ पर, ओके पास लिखा है अगर ये, ओके पास लिखा है तो अगर ये सब कुछ पास है तो पास लिखा है यहाँ पर, फिर से हमें पास एंटर करना होगा। ओके क्योंकि क्यों फिर से पास लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ये डेटा जो है पहले से हमने जो ये पहले वाला जो इफ लिखा था ये बोल रहा है कि अगर सभी 35 के ऊपर होगा तो पास होगा वरना फेल हो जाएगा, लेकिन सभी लोग 35 से ऊपर पास हो गए तो पास लिखा है, लेकिन अगर फेल हो जाए, अब हम फेल का लिख ले फेल की कंडीशन बना रहे, इसलिए हमें ये चीज़ एंटर करनी पड़ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें लिखना पड़ता है कि फेल इन, उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे इन सभी सेल को हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ। तो ज्वाइन करने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि सभी सेल के अंदर ठीक तरह से हमें ध्यान रखना होगा। ओके तो बेसिकली आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक सिस्टम जो है यहाँ पर, ओके तो एक सिस्टमेटिक हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो सभी सेल्स वगैरह जो है यहाँ पर चेक किया है, यहाँ पर एंटर किया है मैंने, ओके तो एंटर करके रखा है मैंने। ओके तो आप अपने तरीके से सेटअप कर सकते हो। अब फेल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फेल लिखा होने के साथ साथ हमारा एक कंडीशन ऐड होगा फेल का, क्यों फेल का हम एंटर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर ये सब कुछ ठीक है, ये सभी 35 से पास 35 से ऊपर है पास हो जाएगा, लेकिन फेल हो गया है तो फेल का भी हमें एंटर करना पड़ेगा। ओके तो पास है तो पास का आ जाएगा, इसलिए हमने इक्वल टू लिखा है यहाँ पर। ओके लेकिन फेल होता है तो हम लिखेंगे फेल, ओके फेल इन, इन क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि इसके अंदर ये फेल हुआ है, और मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस करूँगा क्योंकि हमें ये एंटर करना पड़ेगा, और हमें फेल इन जो लिखना है वो डबल कोट में लिखना है, सिंगल कोट में नहीं, डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि हमें ये इसको बताने में असर बताना है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, एक एग्जैक्टली हमें एक कॉलम बनाना होगा। ओके तो फेल इन में लिखता हूँ यहाँ पर, और मैंने इसको स्पेस दिया है फिर से, और ओके इसके बीच में स्पेस दिया है मैंने, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि सामने हम सभी सेल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसके साथ, क्योंकि जब भी कोई भी डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आए तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर शो होगा, यहाँ इस सेल के अंदर शो होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी शो हो जाएगा यहाँ पर भी, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। तो फेल इन पहले होगा हमारा एंड, क्योंकि हम एंड क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर ये साथ में है तो इसके लिए हम एंड लगाएंगे, फिर क्या करेंगे उस सेल के साथ हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। ओके तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर इसको मैं क्या करता हूँ एंड लगाता हूँ यहाँ पर। ओके तो एंड लगाया मैंने फिर से इसको, फिर मैं इसको इस तरह से यहाँ पर दे सकती हूँ कि डबल कोट, और इसके अंदर ओके यहाँ पर मैंने स्पेस दिया, फिर डबल कोट करूँगा, ओके फिर एंड लिखता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर एंटर करता हूँ, ओके फिर स्पेस देता हूँ, फिर इसको मैं एंड करके लिखता हूँ यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर एंड रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें इसको ज्वाइंट करना है, यहाँ पर डबल साइड एंड आएगा, याद रखना। ओके तो हमारा तीसरा सेल आएगा यहाँ पर ये, ओके
और फिर से मैं एंड लगाऊंगा यहाँ पर इस तरह से, फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से स्पेस मार एंटर करता हूँ, फिर मैं इसको एंड लगाता हूँ, फिर फोर्थ एंटर करता हूँ यहाँ पर, फिर एंड करता हूँ, फिर कॉलम लगाता हूँ, स्पेस एंटर करता हूँ, फिर हमारा फिर से हमारा कोट आएगा, फिर से एंड लगाता हूँ, फिर फाइव आएगा हमारा बाकी ये वाला। तो यहाँ पर देख सकती हो कि यहाँ पर ये मैंने एंटर किया, फिर से एंड लगाता हूँ, फिर से डबल कोट लगाता हूँ, फिर मैं एंटर करता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर एंड लगाता हूँ। ओके, फिर से सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर डबल यहाँ पर लगाता हूँ और फिर से इस तरह से एंटर करता हूँ। ओके, और फिर मैं यहाँ पर स्पेस एंटर करता हूँ, फिर यहाँ पर फिर से एंड लगाता हूँ। ओके, फिर से मैं सेल को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, फिर से एंड लगाता हूँ और मैं इस तरह से एंटर करता हूँ। ओके, मैंने एंटर किया इस तरह से। तो ध्यान से देखिए कि मैंने एंटर किया है यहाँ पर। ओके, तो ये सब कुछ एंटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज। एंड लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे कोई ये डेटा है नहीं, तो मैं इस तरह से एंटर करता हूँ। तो कुछ है प्रॉब्लम। ओके, तो पहले मैं एंड लगा यहाँ पर एंड एंड लगाते हैं हम और इसको ये कुछ और भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो हम चेक करते हैं पहले इसके अंदर कि किस तरह से यहाँ पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि हमने डबल कोट और यहाँ पर कोमा किया था, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने 35 से ऊपर जितने भी लोग पास होते हैं और जो नहीं होते वो फेल होता है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर हम एक और इफ से सब कुछ ये ठीक रहता है 35 से ऊपर तो हो जाए पास, अगर नहीं होता है तो लिखाना चाहिए फेल इन। फेल इन इन्होंने सभी सेलों को ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर इंटर होगा, नाम इंटर होगा वहाँ पर, और मैं यहाँ पर इस तरह से दे सकती हूँ कि हमें मिलेगा यहाँ पर आपके सामने फेल इन गुजराती हिंदी। ओके, तो आप इस तरह से इंटर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ पर से फेल कर देता हूँ कंप्यूटर यहाँ पर, तो इसी को मैं ट्वेल्व एंटर कर देता हूँ, गुजराती हिंदी एंड कंप्यूटर ऐसा लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो बात करते हैं कि हम स्पेस देते थे, स्पेस की जगह पर हम एंटर करते हैं कि कॉमा एंटर कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने स्पेस दिए, जैसे कि ये स्पेस दिए तो हमने इसको कॉमा एंटर कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो फेल इन इस तरह से आप एंटर कर सकते हो, फिर इसको हम इस तरह से एंटर कर लेते हैं, कुछ और एडवांस में इस तरह से हम एंटर कर लेते हैं। ओके, तो हमको इसको भी इस तरह से एंटर कर लेते हैं और इसको भी एंटर कर लेते हैं और इसको भी इस तरह से एंटर कर लेते हैं। तो इस तरह के कुछ कॉमा में आ रहा है यहाँ पर। ओके, डबल डबल इस तरह से, तो यही ठीक है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर देंगे इसको हाइड इस तरह से। ओके, इसको कर देंगे हाइड। ओके, ये हो गया हाइड और जो हमारा डेटाबेस था वो तो है ही। ओके, वो बैकग्राउंड में काम करेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सभी जगह पर हमने फॉर्मूला एंटर कर लिया, सेव कर लेंगे। तो देख सकते हो मेरे सामने ये चीज़ है, सभी मैंने पहले बहुत कुछ वीडियो बनाकर रखी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यहाँ पर फाइल्स वगैरह यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख सकती हो और इस सेल की भी फाइल बनाकर रखी हुई है एक्सेल सिस्टम के अंदर।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा यहाँ पर, ओके, और एक्सेल लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये चीज़ के सामने यहाँ पर, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और चार्ट बनाने का, चार्ट कैसे बनना बनता है यहाँ पर, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको, जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है, और वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूजर ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो, ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए, यहाँ पर एमएस ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है, तो ये जो मिक्स में है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है यहाँ पर, ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़कर हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कम्प्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।